हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द सीक्रेट ऑफ इन्वेस्टिंग में। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 10 ऐसे केमिकल स्टॉक के बारे में जिनमें अगर आप लोग ने खरीदारी नहीं भी करी है तो भी आप लोगों को इन स्टॉक्स में नज़र में रखने चाहिए। जैसे ही मौका मिले आप लोगों को इन सारे के सारे स्टॉक्स में खरीदारी करने के बारे में सोचना चाहिए। बहुत सारे केमिकल स्टॉक मार्केट में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो स्टॉक मैं आज ये 10 बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में, इसको अपनी वॉच लिस्ट पे हमेशा रखना है। मौका मिले तो खरीदारी करनी है। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया वेल्थ आपको ये सारे के सारे स्टॉक बना के दिखा सकते हैं। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कौन से वो जो स्टॉक जानने की कोशिश करेंगे, उससे पहले चैनल पर पहली बार अगर आप लोग जुड़ रहे हैं तो ज़रूर मैं बताना चाहूँगा कि अक्सर मैं लगातार आपको ऐसे ही स्टॉक्स बताने की कोशिश करता हूँ जिनमें अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया तो बहुत बढ़िया वेल्थ लॉन्ग टर्म में बनेगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। सबसे पहले स्टॉक की बात की जाए तो सबसे पहले स्टॉक का नाम है आरती इंडस्ट्री लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों के पास ऑलरेडी स्टॉक होगा, जिन लोगों के पास नहीं है उन लोगों को भी इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। बहुत बेहतरीन केमिकल कंपनी है, मिड कैप सेक्टर से बिलोंग करती है, बहुत बड़ा मार्केट कैप केमिकल सेक्टर में बिलोंग करती है, आपको होल्ड करती हुई दिखाई देगी और मौका मिले तो इस स्टॉक को खरीदारी करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक की। दूसरे स्टॉक का नाम है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा मार्केट में आपको इस स्टॉक के चर्चे देखने को मिलेंगे क्योंकि इसने काबिल है ये वो स्टॉक जिस हिसाब से ये स्टॉक मोमेंटम दिखा रहा है, लॉन्ग टर्म में अपने इन्वेस्टरों का पैसा बहुत अच्छा खासा ग्रो कर सकता है। 185 करोड़ के आसपास की कंपनी हुआ करती थी 10 साल पहले, जो कि अब 32,400 करोड़ के पार चला गया है मार्केट कैप। क्या गजब की तेजी दिखाई है इस स्टॉक ने, सबको पता है। तो अभी भी ये स्टॉक रुक नहीं रहा है, मात्र 33 के PE पे कामकाज कर रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा केमिकल सेक्टर में लोअर वैल्यूएशन पे आपको स्टॉक मिलेगा, तो जैसे ही मौका मिले इस स्टॉक को बाय करिए। शॉर्ट टर्म में एज वेल एज लॉन्ग टर्म में दोनों में ही आपको इस स्टॉक में काफ़ी बढ़िया रैली देखने को मिल सकती है। बात करें अगर हम लोग तीसरे स्टॉक की, तो तीसरे स्टॉक का नाम आपको देखने को मिलेगा अतुल लिमिटेड। इस सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी स्टॉक हैं, तो आप लोगों को इन सारे स्टॉक्स में नज़र तो जरूर रखनी है, सबको अपनी वॉच लिस्ट में रखना है क्योंकि ये सारे स्टॉक आगे आने वाले 10 या 15 सालों में काफ़ी गुना पैसा कर सकते हैं। काबिलियत है इन सारे स्टॉक्स में 10 गुना 20 गुना 50 गुना 100 गुना करने की, और बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे भी हैं जिन्होंने ये सब करके दिखाया है। 517 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप आपको देखने को मिलता था इस स्टॉक में, जो कि अब बढ़ के 28,332 करोड़ का हो चुका है। तो मतलब कि आप लोग समझ सकते हैं कितनी बेहतरीन तेजी इस स्टॉक ने भी आपको दिखा दी है पिछले कई सालों में। बात करते हैं अपने चौथे स्टॉक की। चौथे स्टॉक का नाम है विनाती ऑर्गेनिक। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन केमिकल कंपनी आपको देखने को मिलेगी। 18,510 करोड़ का मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा। कंपनी पर डेप्थ 2 करोड़ के आसपास का, तो एक डेप्थ फ्री कंपनी आपको ये देखने को मिलेगी। पिछले कई सालों से लगातार कंपनी ने बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म करके दिखाया, और इसके अंदर काबिलियत है कि यहाँ से भी ये कंपनी बहुत बढ़िया तरीके का मोमेंटम आपको आने वाले टाइम में भी दिखाती हुई दिखाई दे सकती है। तो इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके जरूर रखिएगा। बात करते हैं अपने पाँचवें स्टॉक की। तो पाँचवें स्टॉक का नाम है नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड। बहुत अमेजिंग स्टॉक आपको ये देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे इन्वेस्टर जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं इनके पास भी होगा, और इसको जिन लोगों को ने भी इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करी है वो डेफिनेटली अच्छा खासा प्रॉफिट में बैठे होंगे और लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे होंगे, क्योंकि ये स्टॉक जितना टाइम आप लोग ने होल्ड कर लिया है उतना ही अच्छे खासे रिटर्न इस स्टॉक ने आपको प्रोवाइड करके दिखाए हैं। पिछले 10 साल से आप लोग देख सकते हैं 245 करोड़ की जो कंपनी हुआ करती थी मार्केट कैप की, वो 18,395 करोड़ के भी पार जा चुकी है। तो कितना गुना आपके पैसे को कर दिया इस स्टॉक ने, आप लोग इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इसने खुद के जो खुद की कंपनी थी उसको इतनी गजब की तेज़ी दिखाई है। पिछले 10 सालों से लगातार 49% के CAGR से रिटर्न डिलीवर करके आ रही है, और ये सारे की सारी कंपनियाँ जो मैंने बताई ये सब ऐसे ही कर रहे हैं। आप लोग आरती इंडस्ट्री को देख लीजिए, आरती इंडस्ट्री ने पिछले 10 सालों में 54% के CAGR से रिटर्न डिलीवर करके दिखाए हैं। दीपक नाइट्राइट की बात की जाए तो आप लोगों को देखने को मिलेगा इस स्टॉक ने 64% के CAGR से रिटर्न डिलीवर करके दिखाए हैं। अगर हम लोग बात करें अतुल लिमिटेड की, तो आप लोगों को उसमें भी यही चीज़ देखने को मिलेगी कि लगभग 46% के रिटर्न इसने हर साल पिछले 10 सालों से लगातार करके आई है। अगर हम लोग बात करें विनाती ऑर्गेनिक की, तो उसमें भी आप लोगों को देखने को मिलेगा 49% के CAGR से रिटर्न डिलीवर करके दिखाएं। तो मतलब कि सारे पांचों स्टॉक जो मैंने बताया अभी तक, इन सब ने 45 के अबव ही आपको पिछले हर साल से 10 सालों से रिटर्न डिलीवर करके दिखाएं। तो इनको जरूर अपने नज़र में रखिए। बात करते हैं अपने छठे स्टॉक की। छठे स्टॉक का नाम है SRF लिमिटेड। ये भी केमिकल सेक्टर की बहुत गजब की कंपनी आपको देखने को मिलेगी। 62,000 करोड़ के
पार है इसका मार्केट कैप है, एक लार्ज कैप कंपनी आपको देखने को मिलती है, गजब की ये कंपनी आपको देखने को मिलती है, मात्र 44 के पी पे आपको कामकाज करती हुई दिखाई देगी, तो अभी भी इस स्टॉक में गजब की तेजी देखने को मिल सकती है, तो इसको भी आप लोग नजर में रख सकते हैं। अब दोस्तों मैं ऐसे स्टॉक्स बताऊंगा जो चार स्टॉक्स हैं जो अभी मार्केट में कुछ समय पहले लिस्ट हुए हैं, लेकिन आने वाले टाइम में आपको इन सारे स्टॉक्स में बहुत बढ़िया मोमेंटम दिखाने को मिल सकता है, और आने वाले टाइम में ये स्टॉक्स भी अतुल, विनाती, आरती, दीपक जैसे बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले स्टॉक का नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, गजब की कंपनी आपको देखने को मिलेगी, बेसिकली दो केमिकल्स बनाती है, एक है एस्टिल इंटरमीडिएट और दूसरा है स्पेशलिटी इंटरमीडिएट, काफ़ी अच्छा खासा कामकाज है, बहुत बढ़िया तेजी इसने दिखाई है जब से मार्केट में लिस्ट हुआ है, आप लोग देख सकते हैं मात्र 141 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेप्थ है, वहीं पे कंपनी के पास रिजर्व चेक करेंगे तो लगभग 982 करोड़ का है, तो एक बार हम लोग ये भी बोल सकते हैं कंपनी डेप्थ फ्री है, तो गजब की तेजी आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। पिछले 5 सालों में 37% के CAGR से कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की बढ़ रही है। एक और पॉजिटिव पॉइंट इस कंपनी का देखने को मिलता है, अगर कोई कंपनी लगातार ग्रो कर रही है तो डेफिनेटली आप लोगों को उसको अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। बात करें अपने अगर दूसरे स्टॉक की जिसका नाम है रोजारी बायोटेक, बहुत ही गजब की कंपनी, 1.5 साल हो गया इसको मार्केट में आए, वहाँ से अपने इन्वेस्टर का पैसा काफ़ी अच्छा खासा ग्रो कर चुकी है, 734 का लो आप लोगों को देखने को मिलेगा, 51593 के आसपास का हाई भी, मतलब कि दुगने से ज़्यादा ऑलरेडी इस स्टॉक ने कर दिया अपने इन्वेस्टर का पैसा, एक भी रुपए का कंपनी के ऊपर डेप्थ नहीं है, कंपनी बहुत अच्छे तरीके के केमिकल बनाती है, बेसिकली तीन सेगमेंट में केमिकल बनाती है, पहला सेगमेंट है होम पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस स्पेशलिटी केमिकल, दूसरा टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल, तीसरा एनिमल्स के न्यूट्रिशंस बनाने वाले केमिकल, तो मतलब कि काफ़ी अच्छी तरीके से इसका बिजनेस भी आने वाले टाइम में ग्रो होता हुआ दिखाई दे सकता है। बात करें अपने अगर तीसरे स्टॉक की तो तीसरे स्टॉक का नाम है क्लीन साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, गजब की इस कंपनी आपको ये भी देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में, इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, अच्छा खासा रिटर्न आपको बना के दिखा सकती है, कंपनी में कोई भी डेप्थ नहीं है, आप लोग रिटर्न ऑन इक्विटी देख सकते हैं 45% की है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 60% का है, जो भी किसी की बहुत कम कंपनियों में ऐसा देखने को मिलता है, कोई भी नेगेटिव इंडिकेशन आपको इस कंपनी में देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर हम लोग बात करें इस कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की, तो पिछले 5 सालों से 49% के CAGR से कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ ग्रो हो रही है, पिछले 3 सालों से 60% के CAGR से ग्रो हो रही है, ट्रेडिंग 12 मंथ में आप लोग देख सकते हैं 42% के CAGR से ऑलरेडी कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है। अगर हम लोग बात करें आखिरी स्टॉक की जो हम लोगों के इन 10 स्टॉक्स का है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है बालाजी एमाइंस। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही हाई ग्रोथ दिखाई है इस कंपनी ने पिछले कई सालों से, और अभी भी ये कंपनी रुकने का नाम नहीं ले रही, लगातार आपको देखने को मिलेगा गजब का मोमेंटम इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। 52 वीक लो देखिए 742 का, और हाई आप लोग देख सकते हैं 5224 का, मतलब कि एक साल में ही 6-7 गुना करने की काबिलियत है इस स्टॉक में, तो इस स्टॉक को तो जरूर अपनी वॉचलिस्ट में रखिए, मौका मिले गिरावट में आए तो जरूर इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की कोशिश करिए, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, जो भी मैंने दसों की दसों कंपनियां बताई अगर आपने इन पे ही नज़र रखी, इन्हीं को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखा, तो आप लोग इन्हीं सारे केमिकल कंपनियों के जरिए काफ़ी बढ़िया लॉन्ग टर्म में वेल्थ बना लेंगे, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही स्टॉक्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।